डियर यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त हो गए। आज मेरे हस्बैंड अपना फ़ोन भी भूल गए हैं, तो इसलिए उनको हम फ़ोन करके भी नहीं बता सकते कि आपका फ़ोन घर पर है। दोस्तों आप सब कैसे हो? मैं स्वस्थ और मस्त हूँ दोस्तों। और आज पता है कुछ ऐसा कुछ है जो मैं बोलूँगी तो काफ़ी लोगों को बुरा लगेगा, काफ़ी लोगों को अच्छा लगेगा। सो दोस्तों कड़वा है पर सत्य है। पता है क्या, शादीशुदा औरतों को लोग ऑनलाइन मैसेज करते हैं फॉलो करने के बाद या कुछ भी करने के बाद हर जगह, ये मतलब मीडिया की बात, सोशल मीडिया की बात नहीं, हर जगह सोचते हैं ऐसी पड़ी हुई चीज़ है और उससे कोई प्यार नहीं करता, टाइम पास करते हैं सब। और शादीशुदा औरत जो होती है ना, जिसको घर में प्यार सम्मान इज्जत नहीं मिलती, घर में लोग पसंद नहीं करते, वो इधर उधर भटक जाती है रास्ते से, और भटक जाती है तो उसका लोग फ़ायदा उठाते हैं, जो कि उसकी ये सबसे बड़ी कमज़ोरी है। औरतों को कमज़ोर नहीं होना चाहिए, ख़ास करके प्यार दुलार के मामले में, ठीक है। ताकतवर बनना चाहिए, शक्तिशाली होना चाहिए, अपना एक वो रखना चाहिए कि मतलब फोकस करना चाहिए एक चीज़ पे कि मुझे ये चीज़ करनी है, और जो प्यार है जो छूट गया है घर में उसे कैसे वापस करना है, कैसे वापस पाना है, उन लोगों से लड़ना है, ये जंग है और जीतनी है। पहली तो ये बात हो गई। दूसरी, लड़कियों और औरतों सबसे मेरा एक अनुरोध है, आजकल ना कपड़े उतारने वाले बहुत मिल लेंगे, पर दोस्ती उसी से करो जो दुपट्टा सर पर उड़ाए, ठीक है। तो ये सबके लिए है, कुछ लड़कियां चाहती ही हैं कि उतार दो, लेकिन कुछ सब ऐसी नहीं होती हैं दोस्तों। तो उन्हीं के पास फ्रेंड बने, दोस्त बने, शादी करें, लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज करो, जो तुम्हें सम्मान दे, इज्जत दे, ना कि तुम्हारा मजाक बनाए, वीडियो बना के अपलोड करे, इधर उधर डराए, तुमको धमकाए, ब्लैकमेल करे। और तीसरी बात है, लोग ना मतलब हर घर में बहू की इतनी बुराई होती है, इतनी बुराई होती है, ऐसी है वैसी है, 9 बजे 10 बजे सो के उठती है, कोई काम नहीं करती, खाना बनाना नहीं आता, सब्जी में मिर्च मसाला डाल देती है, पूजा पाठ करने का डर नहीं, पता नहीं क्या सीख के आई है अपने घर से, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं और ये चीज़ बहुत कड़वी है, बहू की तो बुराई खूब करती हो, बेटी की भी बुराई कभी की है कि हमारी बेटी तो आज तो 10 बजे सो के उठी, आज उसने खाना बनाया तो ऐसा हो गया, आज उसने कपड़े ढंग से नहीं पहने, आज कैसे कैसे लोगों से बातें करती है, पल्ला नहीं रखती है, करिए किसी ने नहीं ना। तो मैं उन लोगों से अनुरोध करती हूँ, जैसे बहू की कमी निकालते हो ना, वैसे बेटी की भी कमी निकालो, यहाँ मत बिठाओ उसको, क्यों दूसरे घर में जाएगी ना तो लात मार के भगा देंगे, बहुत कम घर है जो एडजस्ट करते हैं। और या आजकल तो रोल हो गया, लड़का सीधा साधा भी है ना तो लड़कियों को छूट मिली हुई ना उनकी बात मानी जाती है, महिला आयोग वाले आ जाते हैं ये वो, तो वो इसका दुरुपयोग करती हैं, बिना दहेज के आएंगी, उसके बाद भी एक बेबी हो गया अगर उनके साल के अंदर, फिर तो वो पूरी महारानी हो जाती हैं घर की, जैसा ता रहे हैं, दुखा रहे हैं, मारते हैं, पीटते हैं, खाने को नहीं देते, कपड़े नहीं देते, दहेज ले रखा है, ऐसे ऐसे केस डालती हैं लड़कों के ऊपर। लड़का बेचारा सीधा साधा गरीब परिवार से है, कम पैसे हैं, बाप नहीं है, भाई नहीं है, अकेला है, फंस जाता है इन चक्करों में, बेचारा कहाँ जाए, किससे कहे, नौकरी छूट जाएगी केस होते ही, खाएगा क्या, किराए के मकान में लेके रह रहा है परिवार को, क्या खाएगा क्या पिएगा, और उस टपरी को कैसे झेलेगा जो टपरी ले आया है बेचारी, बेचारी की तो पूरी लाइफ स्पॉयल हो जाती है। पर वो औरत खूब मजे से रहती है घर में अपने, मैं तो रानी हूँ, अब ये नहीं सोचती मैं जो कर रही हूँ ना उसका वहाँ पे जाकर मैं चुकाऊंगी, जब उसको कढ़ाई में तलेंगे ना यमराज जी तब आत्मा तड़पेगी, सोचेगी मैंने ऐसा क्या किया था, उस वक्त याद नहीं आएगा उसने क्या किया था। इसलिए दोस्तों शादी करने से पहले या दोस्ती करने से पहले कुछ भी 1000 बार सोचो, परखो, देखो, अरे देख परख के भी कुछ नहीं होता, कुछ आके रंग दिखाती हैं, पहले तो बड़ा मीठा मीठा बोलती हैं, मैं तो आऊँगी घर को ऐसे कर दूँगी वैसे कर दूँगी, आप जो कहोगे वही होगा, आप जो कहोगे उससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता, उसके बाद वो 2-4 दिन 10 दिन शांत रहती हैं, उसके बाद वो
अपना ये वाला रूप दिखाती हैं, फिर ऐसे एक एक को डसना शुरू कर देती हैं। फिर रोज अगर 5-6 लोगों में रहता है ना, सबको चितिर बितिर करके रानी बन के रहती है। और भोगता कौन है? वो लड़का और उसके परिवार वाले। और अगर लड़की के साथ ऐसा होता है तो कौन भोगता है? लड़की, उसका बेबी, लड़की के मम्मी पापा, और कोई नहीं, और सब मजे लेते हैं। तो दोस्तों, सोच समझ के, ये संसार बहुत गंदा होता जा रहा है, तो आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखिए, आँख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास मत कीजिए, जांचिए, परखिए, तौलिए, उसके बाद कहीं रिश्ता बनाइए। मैं तो ये सब झेल चुकी हूँ, इसलिए अगर लोग कहोगे ना झूठ बोल रही है, ऐसे मैं ये सब झेल चुकी हूँ, और अभी भी ऐसे ऐसे केस मेरे घर में खुद। और गाइस, अभी तक पानी टपक रहा है, भोलेनाथ जी यहीं पर रहते हैं, एक पहाड़ है जिस पे सारी बर्फ है, वहाँ पे जो भी आते हैं वहाँ पे भोलेनाथ किसी को अन्न देते हैं। अमरनाथ की बात कर रहा है, टीवी में देख के बता रहा है, वो लोग जम जाते हैं। हाँ, ओके, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो दिल से सॉरी दोस्तों, पर कड़वा है सत्य है। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।